नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का और सभी लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो हैकर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बताने वाले हैं और इसके अंदर हम एक ऐसी मिस्टेक, एक ऐसी कॉमन गलती के बारे में आपको बताएंगे जो हम सभी लोग करते हैं अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर। दोस्तों, हम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और हर चीज़ में अब इंटरनेट का ही यूज़ होता है, चाहे वो अपने जनरल कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं या अपनी पर्सनल कुछ चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट रिलेटेड चीज़ हो, चाहे वो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ हो। दोस्तों, हम सभी लोग एक ऐसी कॉमन मिस्टेक्स या गलती कर देते हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे अनजाने में हो जाती है और वो हमें आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी एक गलती है जिसका हमें ध्यान रखना है, चाहे आप कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हो। दोस्तों, इससे बचने का भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं, वो कौन सी कॉमन वो गलती है जो बहुत बड़ी तादाद में हम लोग करते हैं और बाद में उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, वो है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड एक तरह की चाबी होती है, चाहे वो हमारा कोई भी अकाउंट हो, कोई भी हमारी आईडी हो या XYZ, जो भी हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, हमारा एक पासवर्ड उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, हम करते क्या हैं, जब भी अपने फ़ोन के अंदर, लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ हम अपनी सर्च करते हैं या काम हम करते हैं अपनी पर्सनल आईडी के अंदर, तो हम अपना पासवर्ड जो है उसको स्टोर कर देते हैं या सेव कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी हम गूगल चलाते हैं या कुछ भी अपनी आईडी, पर्सनल आईडी कुछ खोलते हैं, तो उसके अंदर एक पहले एक ऑप्शन आता है कि क्या आप अपने पासवर्ड को सेव करके रखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग उसको जल्दबाजी में यस कर देते हैं, यानी कि अलाउ कर देते हैं, जबकि वो हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे परेशानी वाली बात क्या होती है, परेशानी वाली बात ये होती है कि हमारे फ़ोन के अंदर जो कुकीज़ स्टोर रहती है, कुकीज़ एक तरह की जासूसी करने वाली एक छोटी सी फाइल होती है जो थर्ड पार्टी ऐप्स या थर्ड पार्टी साइट के थ्रू हमारे फ़ोन के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब भी हम इस तरह के पासवर्ड स्टोर कर देते हैं या यूज़ करते हैं, तो वो कुकीज़ हमारे पासवर्ड रिलेटेड या हमारे पर्सनल जो ये डाटा होता है इसको बाहर भेज देती है या बाहर इसको पब्लिश कर देती हैं। तो हमें कभी भी अपना पासवर्ड जो है वो सेव करके नहीं रखना चाहिए, चाहे वो गूगल में सेव करो, चाहे कोई भी हमारा, अगर हम पेटीएम या इस तरह की कोई जो एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, इनका भी पासवर्ड हमें सेव कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा इनको लॉग आउट करके ही बाहर आना चाहिए और हर बार इनको नए सिरे से लॉग इन करके आना चाहिए। और साथ ही साथ इसका पासवर्ड, इन अपना जो भी पासवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। और दूसरी जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अपने फ़ोन के अंदर से कुकीज़ को लगातार आपको डिलीट करना चाहिए। हर हफ्ते आप नियम बना लीजिए या हर महीने का नियम बना लीजिए, लेकिन अपने फ़ोन के अंदर से कुकीज़ को आप लगातार डिलीट कीजिए। दोस्तों, एक कॉमन गलती है कि अपने पासवर्ड को हम लोग सभी स्टोर करने लग गए हैं ताकि हम लोग जल्दबाजी में काम कर सकें। तो अपने पासवर्ड को आप कभी भी, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी कुछ भी हो, इनके अंदर कभी भी सेव मत कीजिए। यही एक कॉमन मिस्टेक के बारे में हम यहाँ बताना चाहते थे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।